एआईपी टेक में स्वागत है दोस्तों, आप सबका दोस्तों आज की वीडियो में कवर करने वाला हूं दो नेकबैंड के बारे में, जिसमें से पहला नेकबैंड हो जाता है रियलमी का रियलमी वायरलेस 2S, वहीं दूसरा नेकबैंड हो जाने वाला है बोट का बोट ट्रोकस 330 ANC। तो गाइस इन दोनों कंपेयर करके और आपके लिए बताता हूं कौन सा ज्यादा बेहतरीन नेकबैंड हो जाता है आपके लिए। साथ में दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस आप सबके लिए हमेशा प्रोवाइड करते रहता हूं। यहां पे दोस्तों सबसे पहले चार्जिंग प्लेबैक टाइमिंग के बारे में बात करते हैं। गाइस यहां पर आपको दोनों ही नेकबैंड में 24 आवर का प्लेबैक टाइमिंग मिल जाने वाला है। बोट वाले नेकबैंड में आप 10 मिनट चार्ज करने के बाद 5 आवर का प्लेबैक टाइमिंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं, वहीं आप रियलमी वाले नेकबैंड में 20 मिनट चार्ज करने के बाद 7 आवर का प्लेबैक टाइमिंग एक्सपीरियंस ले पाने वाले हो। साथ में दोस्तों इन दोनों नेकबैंड में आपको ENC का फीचर्स मिल जाने वाला है। वॉइस स्कैन की कॉलिंग्स वगैरह में आपको अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है, एनवायरमेंट की नॉइज वगैरह को कैंसल आउट कर देने वाला है। बट दोस्तों बोट ट्रोकस 330 ANC में आपको 25 dB का एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन का फीचर्स मिल जाने वाला है। ये ANC फीचर आपको रियलमी वाले नेकबैंड में नहीं मिलता है, जो कि आपके लिए काफी अच्छा हो जाता है बोट वाला नेकबैंड, क्योंकि यहां पर आपको ANC मिल जाता है। साथ में दोस्तों आपको बोट वाले नेकबैंड में मिल जाता है क्रिस्टल बायोनिक मोड, जिसको में आप स्विच कर पाने वाले हो। जब आप स्विच करोगे तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है म्यूजिक वगैरह में, क्योंकि उसमें वॉइस वगैरह को थोड़ा एम्पलीफाई करके आपको मिलने वाला है, वहां पर थोड़ा सा आपको अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। साथ में दोस्तों रियलमी वाले बड्स में आपको मैग्नेटिक कंट्रोलिंग का फीचर्स मिल जाने वाला है, तो इजिली आप कंट्रोल एंड मैनेज कर सकते हो। बट आपको बोट ट्रोकस 330 ANC में आपको कोई भी मैग्नेटिक कंट्रोलिंग का फीचर नहीं मिलता है, वहां पर आपको बटन के थ्रू कंट्रोल एंड मैनेज करना पड़ेगा, ऑन एंड ऑफ करना पड़ेगा। दोस्तों यहां पर बात करते हैं ड्राइवर साइज के बारे में, तो आपको रियलमी वायरलेस 2S में 11.2 mm का ड्राइवर साइज मिल जाने वाला है। साथ में आपको बोट ट्रोकस 330 ANC में 13 mm का ड्राइवर साइज मिल जाता है। कहने की दोस्तों ड्राइवर साइज थोड़ा बड़ा यहां पर मिल जाता है बोट वाले नेकबैंड में, ऑब्वियसली यहां पर थोड़ा सा अच्छा ही एक्सपीरियंस होने वाला है म्यूजिक वगैरह के बारे में। साथ में दोस्तों बोट ट्रोकस 330 ANC में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया कि यहाँ पर कोई भी आपको मिलता है लो लेटेंसी मोड का फीचर, बट आपको रियलमी वायरलेस 2S में सुपर लो लेटेंसी मोड का फीचर मिल जाने वाला है। कहने की आपको ऑडियो एंड वीडियो का सिंक अच्छा देखने को मिलने वाला है रियलमी वाले नेकबैंड। दोस्तों यहाँ पर बोट और रियलमी दोनों के नेकबैंड में वॉइस असिस्टेंट का फीचर मिल जाने वाला है, गूगल एज वेल एज सीरी को आप एक्सेस कर पाने वाले हो। साथ में बोट वाले नेकबैंड में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2 देखने को मिल जाने वाला है, वहीं आपको रियलमी वाले नेकबैंड में ब्लूटूथ वर्जन 5.3 देखने को मिल जाने वाला है। थोड़ा सा एक ओल्डर वर्जन आपको मिल जाता है बोट वाले में, बट दोस्तों इससे कोई भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है आपके कनेक्टिविटीज वगैरह में। और दोस्तों आपको दोनों ही नेकबैंड में IP64 का सर्टिफिकेशन मिल जाता है, यहाँ पर आपको वाटर रेजिस्टेंस हो जाता है आपका ये दोनों ही नेकबैंड। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा कुछ है स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन इन दोनों नेकबैंड के बारे में। फिलहाल बात करते हैं प्राइस पॉइंट वगैरह क्या होने वाली है। बोट ट्रोकस 330 ANC की प्राइस पॉइंट है 1500 rupees, वहीं बात करते हैं रियलमी वायरलेस 2S के, इसकी प्राइस पॉइंट है 1300 rupees। दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं इन दोनों नेकबैंड में से कौन सा ज्यादा बेहतरीन नेकबैंड हो जाने वाला है आपके लिए। ऑब्वियसली दोस्तों अगर आप म्यूजिक पर्पज से लेने वाले हो तो बोट ट्रोकस 330 ANC, यहाँ पर आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का फीचर्स मिल जाने वाला है। साथ में दोस्तों दोनों नेकबैंड में आपको ENC का फीचर्स मिल जाने वाला है। एंड दोस्तों ड्राइवर साइज यहाँ पर आपको बड़ा ही दे रखा है बोट वाले नेकबैंड में, कहने की म्यूजिक एक्सपीरियंस आपको अच्छा होने वाला है। साथ में आपको क्रिस्टल बायोनिक साउंड मोड भी मिल जाता है, तो ऑब्वियसली ओवरऑल मिलाकर के यहाँ पर आपको म्यूजिक एक्सपीरियंस अच्छा होने वाला है। साथ में अगर आप गेमिंग पर्पज के लिए लेना चाहते हैं नेकबैंड, तो यहाँ पर रियलमी वाले नेकबैंड में आपको सुपर लो लेटेंसी मोड का फीचर्स मिल जाता है। तो गाइस इस पर्पज से आप गेमिंग मोड के लिए रियलमी वाला नेकबैंड ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको लो लेटेंसी मोड फीचर्स मिल जाता है, जिसके थ्रू आपको ऑडियो एंड वीडियो का सिंक अच्छा देखने को मिलने वाला है। गेमिंग वगैरह जब आप करोगे तो लैग स्टेटस आपको कम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है डिटेल कंपैरिजन रियलमी वायरलेस 2S वर्सेस बोट ट्रोकस 330 ANC के बारे में। आई होप गाइस आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा, तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस आप सबके लिए हमेशा प्रोवाइड करते रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑलवेज लाइव हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।